लिमिटिंग रिएजेंट मोल कॉन्सेप्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं और लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन से। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन है, रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, और शॉर्ट में इसको LR बोल सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन गिवन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो यहाँ इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट, यहाँ टू रिएक्टेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों रिएक्टेंट में से जो रिएक्टेंट पहले कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उस रिएजेंट को ही या रिएक्टेंट को ही लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है, और जो रिएजेंट कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता है उसकी कुछ क्वांटिटी बची रहती है उसको एक्सेस रिएजेंट बोला जाता है। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपको, अगर मुझे वाटर फॉर्म करना है तो सपोज मैंने 20 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 64 ग्राम ऑक्सीजन लिया। अब आप यहां से क्या कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कितने ग्राम वाटर फॉर्म होगा। मूल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहां 20 ग्राम से भी वाटर कैलकुलेट किया जा सकता है और 64 ग्राम से भी वाटर कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन दोनों ही केस में जो वैल्यूज आएंगी वो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोटरसाइकिल आपको डिज़ाइन करनी है तो आपके पास टू टायर्स और वन इंजन की रिक्वायरमेंट है। मैं सिर्फ टायर और इंजन ही ले रहा हूँ, इसके अलावा और भी कंपोनेंट हो सकते हैं। तो आपको एक मोटरसाइकिल बनाने के लिए टू टायर्स और वन इंजन की रिक्वायरमेंट है। सपोज किसी फैक्ट्री में 20 टायर्स प्रेजेंट हैं और 20 इंजन अवेलेबल हैं, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ कितनी मोटरसाइकिल, कंप्लीट मोटरसाइकिल बन सकती हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप दोनों से अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो नंबर दोनों से अलग अलग आने वाला है। अगर टायर्स का नंबर देखेंगे तो टू टायर्स से वन मोटरसाइकिल बनती है, तो 20 टायर से कितनी मोटरसाइकिल बन जाएंगी, 10 मोटरसाइकिल बन जाएंगी। वहीं अगर हम बात करें 20 इंजन से, 20 इंजन से कितनी बन सकती हैं, वन इंजन से वन मोटरसाइकिल बनती है, तो 20 इंजन से कितनी मोटरसाइकिल बन सकती थी, 20 मोटरसाइकिल बन सकती थी। तो हमारा आंसर 10 होगा या 20 होगा। तो इस केस में हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों कंपोनेंट में से लिमिटेड कौन सा है, पहले कौन सा कंज्यूम हो जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में 10 मोटरसाइकिल अगर बनानी है तो टायर्स जो हैं वो 0 टायर्स बचेंगे, कोई टायर यहाँ पे नहीं बचेगा। और 10 मोटरसाइकिल जैसे ही बनेंगी तो यहाँ पे 10 वन इंजन से वन मोटरसाइकिल बनती है, तो 10 मोटरसाइकिल बनाने के लिए आपको कितने इंजन की रिक्वायरमेंट होगी, 10 की। तो बचे हुए रिमेनिंग कितने इंजन बच जाएंगे आपके, 10 इंजन यहाँ पे बच जाएंगे। तो लेकिन 20 अगर मोटरसाइकिल बनानी है तो अब आपको यहाँ 40 टायर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टायर्स हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। तो जो कंपोनेंट या जो रिएजेंट लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिमिटिंग रिएजेंट, और इस केस में आप लिमिटिंग कंपोनेंट बोल सकते हो। और ऐसा कंपोनेंट या ऐसा रिएजेंट जो एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल होता है उसको एक्सेस कंपोनेंट या एक्सेस रिएजेंट बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की लैंग्वेज ही यूज कर रहा हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो इस लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट को यहाँ तो हम सिंपल जो एग्जाम्पल था इससे हमने कैलकुलेट करके देख लिया, लेकिन क्या केमिकल रिएक्शंस में इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है।
तो इसके लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे आप इजीली लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो देखिए हम 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे और हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा है उस डेटा से रिएक्टेंट्स के मोल कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे 20 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है, तो यहाँ पे मास गिवन है और मास से हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। मास से मोल कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, मोल इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। इसके अलावा और भी कोई गिवन वैल्यू हो सकती है, लाइक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस हो सकती है, उनसे भी आप क्या फाइंड कर लेंगे इन फॉर्मूला की हेल्प से, सबसे फर्स्ट स्टेप में मोल्स फाइंड कर लेंगे रिएक्टेंट्स का। सेकंड स्टेप में जो भी मोल्स आएंगे रिएक्टेंट्स के उसका डिवाइड कर देंगे स्टोइकियोमेट्रिक मोल ऑफ रिएक्टेंट। स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स क्या हैं, जैसे जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट के सामने जो कोफिशियंट्स लगे होते हैं, यहाँ पे जैसे 1 है कोफिशियंट, कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब 1 कोफिशियंट है, तो ये कोफिशियंट जो लगे होते हैं इन कोफिशियंट को ही हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक मोल्स। जैसे हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक मोल है 2, ऑक्सीजन के लिए स्टोइकोमेट्रिक मोल है 1 और वाटर के लिए स्टोइकोमेट्रिक मोल है 2। तो सेकेंड स्टेप में हम जो भी गिवन मोल आएंगे, जो डेटा है जिस डेटा से मोल्स कैलकुलेट किए और मोल डिवाइडेड बाई उसके करेस्पॉन्डिंग जो स्टोइकोमेट्रिक मोल्स होंगे उसको डिवाइड कर देंगे। और थर्ड स्टेप में हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा इन रिएक्टेंट के लिए, जिस भी रिएक्टेंट के लिए ये वाली वैल्यू जो है गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये वैल्यू जिसके लिए भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो ही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम इस रिएक्शन में सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि वाटर का कितना अमाउंट इसमें फॉर्म होता है। तो चलिए सबसे पहले इस रिएक्शन में मैं यहाँ पे ये स्टेप्स मैंने यहाँ रख दिए हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और इस फॉर्मूला को भी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट जो मोल सबसे पहले जो भी गिवन डेटा है उससे मोल फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मास गिवन है तो हम फर्स्ट फॉर्मूला का यूज़ करके मास से मोल कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन का मास गिवन है 20 ग्राम और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2, तो यहाँ से मोल्स आ गए हाइड्रोजन के 10 मोल्स। इसी तरह से 64 ग्राम ऑक्सीजन का मास गिवन है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 और यहाँ से ऑक्सीजन के मोल आ गए 2 मोल। इतना करने के बाद हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होता है। स्टेप सेकंड जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में जो भी हमारे पास मोल आए हैं, जैसे हाइड्रोजन के मोल आए हैं 10 और हाइड्रोजन का जो स्टोइकोमेट्रिक मोल हैं वो हैं 2। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए जो मोल आए हैं गिवन डेटा से वो आए हैं 2 और ऑक्सीजन के लिए स्टोइकोमेट्रिक मोल है 1। अब इनको आप कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने से इसकी वैल्यू आएगी 5 और इसकी वैल्यू आएगी 2। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू किसके लिए है, तो 5 और 2 में मिनिमम वैल्यू 2 है। तो मिनिमम वैल्यू जिसके लिए आती है वो ही रिएक्टेंट क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, ऑक्सीजन यहाँ एक लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका मतलब है कि जो हमने पहला वाला एग्जांपल देखा था इसमें जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमने मोटरसाइकिल बनाई थी। यहाँ पे 20 मोटरसाइकिल नहीं बनेंगी, यहाँ सिर्फ 10 मोटरसाइकिल बनेंगी। मतलब सारी जो कैलकुलेशंस थी वो किसके अकॉर्डिंग किए गए, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन की थी। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ऑक्सीजन के मास के अकॉर्डिंग ही हम
ये कैलकुलेशंस करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही फाइंड हो जाता है तो फिर हम सारी के सारी कैलकुलेशंस सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे ही करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कितने ग्राम वाटर यहाँ पे फॉर्म होगा। तो यहाँ 64 और 20 ग्राम, इसमें से हम 64 ग्राम वाला जो मास है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन आया, इसके अकॉर्डिंग ही मास हम कैलकुलेट करेंगे। तो मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके मोल जो हैं उससे मोल के फॉर्म में बात करें। देखो सबसे पहले ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 2 मोल वाटर। 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो आपके मोल कितने हैं, 64 ग्राम का मतलब 2 मोल्स, तो 2 मोल ऑक्सीजन कितने मोल वाटर प्रोड्यूस करेगी, 2 × 2 तो मोल्स ऑफ वाटर। तो इसका मतलब 4 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में मोल्स नहीं पूछे हैं, हमसे क्वेश्चन में मास पूछा है, हमसे ग्राम में मास पूछा हुआ है। तो ग्राम में मास पूछा हुआ है तो हम सिंपल सा अगेन ये वाला फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, मास डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास, ये हम फॉर्मूला अगेन अप्लाई करेंगे और हमारे पास इस मोल से मास आ जाएगा। तो मोल से मास निकालने के लिए 4 मोल H2O है, इसको मास में कन्वर्ट करना है, तो मास ऑफ H2O और जो भी मास आएगा वो ग्राम में आएगा डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है, H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो मैं यहाँ पे 18 लिख देता हूँ। ओके, तो मास ऑफ H2O आ जाएगा 4 × 18 ग्राम।